2% वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को लेकर देश भर के करीब 10 लाख बैंक कर्मियों का 2 दिवसीय हड़ताल बुधवार सुबह से शुरू हो गया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के द्वारा आहूत इस 2 दिवसीय बैंक हड़ताल के पहले दिन कोल्हान प्रमंडल अंतर्गत आने वाले करीब 300 सरकारी उपक्रम की बैंकों में ताले लटके देखे गए। इन बैंकों के 7000 से अधिक बैंक कर्मियों ने हड़ताल के पहले दिन बैंकों के समक्ष धरना प्रदर्शन कर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जोरदार आवाज बुलंद की। वहीं केंद्र सरकार और आईबीए के अड़ियल रवैये को लेकर हड़ताली बैंक कर्मियों ने अपना रोष जाहिर किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर समेत कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले करीब 300 बैंक शाखाओं के हड़ताल से 2 दिनों में करीब 2500 करोड़ के बैंकिंग व्यवसाय पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। आज उसकी शुरुआत हो गई है और कल भी हमारा स्ट्राइक का प्रोग्राम है। मैं अपने जो ग्राहक है उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो हमारा इसमें सहयोग करें, क्योंकि आज की जो लड़ाई है हम लोग सिर्फ वेतन बढ़ोतरी के लिए नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा उनका भी हित है। जैसे समाज में हमारे जो नौजवान हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए भी हम लोग चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ काम करे। बहुत सारा ऐसा काम है जो हमारा आउटसोर्सिंग हो रहा है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो हमारे साथ हमारे बैंक में जुड़े। जिस तरह से लगातार बैंक कर्मियों की स्थिति में कमियां आती जा रही है, लोग रिटायर कर रहे हैं, उस हिसाब से भर्ती बंद हो गई, मैन पावर की काफ़ी कमी हुई है। और मैं देख रहा हूँ, और आप, मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने नोटबंदी के दौरान हमारी स्थिति को इतने अच्छे ढंग से उजागर किया। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात रही कि जो संदेश समाज में जाना था वो संदेश समाज में गया और हमारी स्थिति से वो लोग रूबरू हुए। आज एक बैंक कर्मी 10 बजे आते हैं और रात को 8 बजे तक काम करके जाते हैं, और उनमें सबसे खराब स्थिति आज महिलाओं की है, इसलिए कि उनको घर जाकर भी बहुत सारे काम निपटाने पड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर पूरी तरह से ध्यान दे, हमारी स्थिति को समझे। हम लोग किसी भी रूप से नाजायज़ मांग नहीं है। ये 2% का जो हम दिया है ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। अगर सरकार इसी तरह की परिस्थितियां जारी रखेंगी और बात करने में आगे नहीं आएंगी तो हो सकता है आने वाले दिनों में बैंक कर्मियों को सड़क पर उतरना होगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी जाना पड़ सकता है। ये सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं इस मंच से। हमारा पे रिविज़न जो है वो हमारा नवंबर 2017 से ही ड्यू है, उससे पहले से ही 6 महीने पहले से ही बातचीत सरकार से शुरू हो जाती है, तो जो भी अगर करना, अगर वो टाइमली कर दे पे रिविज़न तो हमें हड़ताल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और उनको भी पता है कि 5 साल में हमारा पे रिविज़न होना है, तो वो करना ही है। तो 2% का डिमांड, मतलब तो काम जब होता है, जो भी नोटबंदी हो या कोई भी सरकारी का काम होता है तो हमारे बैंक से ही कराया जाता है, और 2% तो कहीं से भी जायज़ नहीं लगता है। खुद ही सोचना चाहिए कि अगर उन्हें अगर 2% का अगर सैलरी रिवीजन मिले तो उन्हें कैसा लगेगा। उनकी तो सारी चीज़ें, ज़रूरतें पूरी हो जाती है, लेकिन हमारे बैंक में, हम लोग खासकर महिला कर्मचारी बैंक में, कोई टाइम नहीं है जाने का। आने का तो समय ठीक है लेकिन जाने का कोई समय नहीं है। फिर घर जाके अभी भी हमारी जिम्मेदारी है, हमें घर जाके भी सारा काम करना पड़ता है। 8 बजे 9 बजे अगर हम घर जा रहे हैं तो घर में हम बच्चों को कब पढ़ाएंगे और घर का काम कब करेंगे। ये तो बात है ही, पब्लिक, एक तो पब्लिक डीलिंग है, हमें पब्लिक की सेवा करनी ही है। फिर आए दिन हमारे, मतलब पब्लिक भी अगर सपोर्ट, मतलब उन लोग का भी सपोर्ट हम लोग को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर उन लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग बैंक तो चलेगा नहीं इस तरह से। हड़ताल पर जाना नहीं चाह रहे हैं, मजबूरी है हमारी जाने के लिए। कोई भी हड़ताल में नहीं जाना, क्योंकि इससे हमारी भी तो सैलरी कटती है, 2 दिन की हमारी भी सैलरी कटेगी, लेकिन फिर भी हम लोग को मजबूरी है सर इसमें हड़ताल में जाना, क्योंकि अपने जो भी डिमांड है उसके लिए तो हम लोग को लड़ना होगा। तो अपील करना चाहते हैं कि जो भी हमारी जेन्युइन मांग है उनको पूरा करें। नाजायज़ मांगे ठीक है, नाजायज़ मांगे हम लोग ऐसा कर भी नहीं रहे हैं। जो डिमांड है, जो भी है, सब जेन्युइन है। जितना 2% तो कहीं से भी जायज़ नहीं लगता है, ठीक है। आप जो भी 15% 20%, लास्ट टाइम भी 15% का हुआ था, तो कम से कम उतना से भी शुरुआत करते हैं। एक सम्मानजनक बढ़ोतरी करना चाहिए, तो वो हम लोग बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी है सम्मानजनक बढ़ोतरी हम लोग करें, और थोड़ा महिला कर्मचारियों के बारे में भी सोचें कि, और जो भी काम होता है सरकारी काम तो वो बैंक के ही द्वारा होता है,